है, सबसे पहले मैं क्या बताई, अलर्ट द इन्वेस्टर, है ना। ये तीन जो बता रही हूं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा गाइड द इन्वेस्टर, सेम बात लिखना है दोनों में। तीसरा स्पेशलाइज्ड सर्विस, इसमें क्या बताएं, क्योंकि जो जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है उनके जो एम्प्लॉय होते हैं दे आर प्रोफेशनल, दे आर स्किल्ड, दे आर एक्सपीरियंस्ड, है ना, तो अच्छा ही क्रेडिट रेटिंग देते हैं, तो एम्प्लॉय लोग को एक शांति रहता है मन में, सॉरी इन्वेस्टर लोग को, कि ये सही क्रेडिट रेटिंग दिया होगा, तो एम्प्लॉय लोग को बेनिफिट मिलता, इन्वेस्टर लोग को बेनिफिट मिलता है। ये तीन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है। अब हम लोग तीन डिस्कस करेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सचिन की कंपनी का अगर क्रेडिट रेटिंग हो रहा है तो सचिन को क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना। अलर्ट द इन्वेस्टर हर्षिका, ठीक है, सचिन मेरे को बताएगा अगर सचिन की कंपनी को क्रेडिट रेटिंग मिलता है इस पूरे प्रोसेस में कंपनी, सचिन की कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा। हमारे पास इन्वेस्टर्स खुद चल के आएंगे कि मतलब आपका मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा पड़ेगा उसका, तो फिर और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जनरेट होगा और बहुत कुछ, मतलब ऐसा ही सब चीज होगा। और क्या ऐसा ही सब चीज होगा, एग्जाम में तो नहीं लिख सकते हो ना, एक पॉइंट लिख देना ऐसा ही सब चीज होगा। सबसे पहला के पास लोग आएंगे, कंपनी के पास इन्वेस्टर्स, कंपनी के बढ़ेंगे एंड कंपनी का ग्रोथ होगा और एक रेपुटेशन भी, एक रेपुटेशन भी बढ़ेगा मार्केट में कि हाँ सचिन का कंपनी ऐसा अच्छा है, और वर्क एथिक भी इम्प्रूवमेंट होगा। ये सब सचिन का कंपनी लेकिन खराब बहुत है क्या सचिन? डिस्क्लोज द क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी, है ना, अगर सचिन की कंपनी का क्रेडिट रेटिंग हो रहा है तो उसकी कंपनी का क्या होगा, सिक्योरिटी का क्वालिटी डिस्क्लोज होगा, मतलब सचिन की कंपनी का क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, है ना। तो एक पॉइंट में बोलोगे ना, ऐसे तो आप लोग अलग अलग सब बोल रहे हो, एक पॉइंट के अंदर अब आप लोग जो बोले थे वो लिख सकते हो कि लोग इस कंपनी को अप्रोच करेंगे, इन्वेस्टर इस कंपनी में शेयर लेना चाहेंगे, है ना, क्योंकि क्या हुआ इस कंपनी की सिक्योरिटी को क्वालिटी अच्छा मिले, है ना। तो क्रेडिट रेटिंग क्या करेगी, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फैक्ट्स, आफ्टर डिस्क्लोजिंग ऑल द कंसिडरेशन, अच्छा एक क्रेडिट रेटिंग देगी, जिससे क्या होगा उसकी सिक्योरिटी का क्वालिटी इनहेंस होगा, है ना, और इन्वेस्टर लोग अप्रोच करेंगे। अब जो आप लोग कहानी बोल रहे थे वो आप लोग लिख सकते हो, तो ये किसको बेनिफिट मिला, कंपनी को बेनिफिट मिला। दूसरा, मेरी आवाज आ रही है ना यश? ठीक है। फोकसेस ऑन फाइनेंशियल पावर एंड वीकनेस ऑफ कंपनी, है ना, कंपनी को अपना पावर एंड वीकनेस पता चलेगा। क्रेडिट रेटिंग सिर्फ रेटिंग नहीं देता है, कुछ कुछ सजेशन भी देता है, है ना, तो इससे क्या होगा कंपनी को पता चलेगा मेरा पावर क्या है और मेरा वीकनेस क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लूप होल्स पता चलेगा, है ना, वेरी गुड। थर्ड, ये भी कंपनी के लिए बेनिफिट के लिए था, कोऑर्डिनेशन, सॉरी इनकेपेबिलिटी ऑफ वर्क, ये ना अभी वाले पॉइंट से सेम था, फोकसेस ऑन पावर एंड वीकनेस। कंपनी को ये पता चलेगा कि इन विच एरिया कंपनी इज इनकेपेबल टू वर्क, है ना, कौन से एरिया में कंपनी क्या है शॉर्टकम फेस कर रही है, किस एरिया में कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, इससे कंपनी क्या हो पाएगी, कंपनी विल टर्न एक्टिव, कंपनी एक्टिव होकर अपना परफॉर्मेंस अच्छा करेगी, है ना। ये क्या था, ये तीनों था कंपनी के फायदे के लिए, क्या क्या, कंपनी के सिक्योरिटी का क्वालिटी पता चलेगा, कंपनी का फाइनेंशियल पावर एंड वीकनेस पता चलेगा, और कंपनी कहाँ कहाँ इनकेपेबल है ये पता चलेगा। ये तीनों क्या था, कंपनी स्पेसिफिक, और तीन क्या बताए थे, इन्वेस्टर स्पेसिफिक, अलर्ट द इन्वेस्टर, गाइड द इन्वेस्टर, स्पेशलाइज सर्विस। इसका एक शॉर्टकट बताती हूँ, सैड जीआईएफ, बहुत जीआईएफ यूज करते हैं कुछ लोग ग्रुप में, है ना, सैड जीआईएफ, ये इसका शॉर्टकट है। कैसे, S फॉर स्पेशलाइज सर्विस, A फॉर अलर्ट द इन्वेस्टर, D फॉर डिस्क्लोज द क्वालिटी ऑफ सर्विस, है ना, G फॉर क्या होगा, G फॉर गाइड द इन्वेस्टर, I फॉर इनकेपेबिलिटी ऑफ वर्क, F फॉर फोकसेस ऑन पावर एंड वीकनेस, सैड जीआईएफ। ठीक है, कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन था। हैप्पी जीआईएफ हो सकता, हैप्पी जीआईएफ इसमें तो नहीं हो सकता, अब इसमें जो शॉर्टकट बना मैं वही बनाई, है ना। हम टैग जीआईएफ की हेड जीआईएफ, सैड
सैड उदास अरे सैड सैड दुखी दुखी आत्मा एस फॉर स्पेशलाइज्ड सर्विस है ना. ये था आपका एक क्वेश्चन का पूरा आंसर. ठीक है अभी कुछ लिखना नहीं है, मैं पूरा नोट्स भेज दूंगी आप लोग नोट डाउन कर लेना. फंक्शन इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग सैड जीआईएफ एस फॉर स्पेशलाइज्ड सर्विस ए फॉर अलर्ट द इन्वेस्टर डी फॉर डिस्क्लोज द क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी है ना जी फॉर गाइड द इन्वेस्टर आई फॉर इनकेपेबिलिटी ऑफ वर्क एफ फॉर फोकस ऑन पावर एंड वीकनेस ऑफ कंपनी. कंप्लीट हो गया. अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे करेंगे नहीं ठीक है हम लोग उसमें क्या करेंगे स्किप करेंगे. कैसे एक क्वेश्चन आया सिर्फ फंक्शन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या ये अलग से करना पड़ेगा. आप लोग के बुक में किसी भी बुक में अलग से भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेम सारा पॉइंट लिखोगे सैड जीआईएफ. समझ में आ रहा है. अगर पूछा व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अलग लिखोगे सेम है ना. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सेम. तो तीन क्वेश्चन हम लोग एक ही क्वेश्चन में कर लिए. समझ में आया. एनी डाउट टिल हियर. किसी का भी कोई डाउट है. ओके आज हम लोग क्रेडिट रेटिंग पूरा खत्म करेंगे. लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग. ठीक है क्रेडिट रेटिंग का लिमिटेशन करेंगे मतलब इसका क्या क्या वो है खामी है ना. आयुष बताएंगे पहले. आयुष को क्या लगता है क्रेडिट रेटिंग में क्या बच जाता होगा या क्या खराबी होता होगा. मैम वो जो एक पॉइंट पहले बताया था ना कि ऐसी कंपनी अच्छा काम कर रहा है बट क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको रेटिंग कम मिला है तो वो एक तरह से तो नेगेटिव पॉइंट है मतलब लॉस है कंपनी का क्योंकि मे बी वो अच्छा काम कर रहा है वो खुद को ठीक कर लेगा बट क्रेडिबिलिटी के कारण बहुत सारा इन्वेस्टर्स पीछे हट सकता है. मैं ये बोलूं आपके पॉइंट को मैं एक स्टैंडर्ड वर्ड में बोलती हूं फेल टू असेस द रिस्क. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बहुत बार कंपनी का रिस्क असेस प्रॉपरली कर नहीं पाता है ड्यू टू रॉन्ग फैक्ट्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है ना. इससे क्या होगा कंपनी को क्या नुकसान होगा कंपनी की सिक्योरिटी का वैल्यू कम हो जाएगा. जैसे मैं सचिन का सिक्योरिटी बेचने वाली थी है ना. इवन इफ सचिन इज परफॉर्मिंग वेरी वेल है ना सचिन की कंपनी. समझ में आ रहा है. ये क्या था फेल टू असेस द रिस्क. एक और बताई थी ऋषि बताएगा स्पेशलाइज्ड सर्विस में बोली थी कि यही एक बार ड्रॉबैक भी बनने वाला है ना. क्या था ऋषि क्या हो सकता है. यस मैम. ओके तो सोचने दीजिए. स्पेशलाइज्ड सर्विस में बताई थी कि क्योंकि एजेंसी के जो एम्प्लॉय लोग होते हैं दे आर एक्सपीरियंस स्किल्ड और क्वालिफाइड है ना. तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय जो इन्वेस्टर होते हैं उनको एक अच्छा वो मिलता है कॉन्फिडेंस कि चलो अच्छा ही क्रेडिट रेटिंग मिला होगा. लेकिन ये कभी कभी ड्रॉबैक भी होता है. पैसा खा के वो लोग मतलब फॉल्स रेटिंग भी दे सकते हैं. पैसा खा के सिर्फ क्या बोल रहे हैं मतलब इंडियन बेसिकली उल्टा कर दो ना. अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के एम्प्लॉय क्या है अनएक्सपीरियंस्ड है ना अनस्किल्ड है ना क्वालिफाइड नहीं है तो वो लोग रेटिंग क्या देंगे कुछ भी रेटिंग दे के चले जाएंगे. इसको बोलते हैं रॉन्ग. ऐसा होता है क्यों नहीं होता है प्रैक्टिकली ऐसा होता है. बहुत सारे सीए लोग होते हैं जो यूं ही पास कर जाते हैं धक्का मार मार के है ना. क्या ऑडिट करेंगे क्या ऑडिट. सपोज कि आप क्रेडिट रेटिंग की कंपनी के मेंबर हो. मेरे को मत नाम की और एग्जांपल दो यार. मैं आप पे ज्यादा सूट करेगा तो मैम आपको हम ठीक मैम सचिन को लेते हैं. आप बड़ी हो मैम सचिन को हम बहुत अच्छे जानते हैं एंड हम उसको बोले भाई से पैसा ले ले मेरे से कुछ भी एंड मैं रेटिंग 5 स्टार कर दे मैम ऐसा होगा. कुछ नहीं करता है बस क्रेडिट रेटिंग लेने के लिए रेटिंग ले लिए. बाद में ऑडिट हुआ या कुछ भी और पता चला कि सचिन आपको जान बुझ के ज्यादा रेटिंग देके चला गया था वो तो फंसे गए आप भी फंसेंगे. उसको तो मैम वो कैसे टैकल करना वो तो मैम कंपनी के ऊपर है. आज फॉर एग्जाम्पल मैं देखो मैं क्या बोल रही हूँ तुम लोग टॉपिक से पूरा डाइवर्ट हो गया तुम लोग बट एंड इफ्स में चला गया. मैं क्या बोली अगर किसी का एम्प्लॉय अनएक्सपीरियंस्ड है तो ये क्या है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का एक लिमिटेशन है ना कि जरूरी नहीं है हर बार उसका एम्प्लॉय लोग प्रोफेशनल ही होगा स्किल्ड ही होगा एक्सपीरियंस्ड ही होगा. हो सकता है नया नया फ्रेशर है उसको भेज दिया किसी बड़ी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग देने वो तो रॉन्ग असेसमेंट करेगा. करेगा क्या राइट असेसमेंट. इन एक्सेप्शनल केस वो कर भी सकता है जैसे कि मैं नई नहीं हूं फिर भी मैं अच्छा ही असेसमेंट करूंगी. ठीक है लेकिन हो सकता है
क्योंकि क्या कि वो रॉन्ग असेसमेंट करके भी आए. दिस इज पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल. तो इससे क्या होगा, ये एक लिमिटेशन है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ. अब जैसे कि तुम सचिन से करवा रहे, ठीक है, मानती हूँ तुम लोग दोनों का वो था, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मिली भगत, आप लोग दोनों जानबूझ के फ्रॉड करने के लिए ये किए. लेकिन अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये एक लिमिटेशन है ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, कि सचिन जिसको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल नहीं है, वो जाके किसी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग दे रहे हैं, है ना. तो ये लिमिटेशन हुआ कि नहीं, जैसे सचिन बोलते हैं उसको एरोप्लेन उड़ाना है, मतलब पायलट बनना है, है ना. तो मेरे को तो बहुत डर रहेगा जब भी मैं उसके प्लेन पे चढ़ूंगी. सबसे पहले आप ही को बैठाने वाले बगल में को पायलट. जब मैं 65 इयर्स की हो जाऊंगी उसके बाद, ठीक है, तब तो फिर क्या फायदा ही क्या, हम तो उससे पहले नहीं करने मिलेगा. 32 साल की एज से पहले हम बन सकते हैं, ठीक है. देखो तो दो लिमिटेशन पड़े. सबसे पहले आयुष ने जो बताया था कि मैम हो सकता है कंपनी अच्छे से असेस नहीं करे, है ना, तो फेल टू असेस द रिस्क, मतलब एजेंसी का ही गड़बड़ी है. दूसरा ये भी एजेंसी का ही गड़बड़ी है कि उसके एम्प्लॉय लोग क्या है, अनएक्सपीरियंस्ड, अनस्किल्ड, इसको क्या बोलते हैं, रॉन्ग असेसमेंट, है ना. अच्छा, बहुत बार क्या होता है, आशीष क्या किया, आशीष बहुत बुद्धिमान है, ठीक है. आशीष क्या किया, सचिन से भी क्रेडिट रेटिंग लिया, मेरे से भी क्रेडिट रेटिंग लिया. मैं क्योंकि बहुत जेन्युइन हूँ, ठीक है, एकदम गलत काम आज तक मैंने जिंदगी में नहीं किया है. इवन इफ आशीष मेरा स्टूडेंट है, मैं आशीष को क्या की, एकदम सही क्रेडिट रेटिंग दी. अकॉर्डिंग टू मी सचिन, आशीष की कंपनी को मिला है 3 स्टार. अब आशीष क्या बोला कि मैम तो पूरा गड़बड़ कर दी, अब हम सचिन से करवा लेते क्रेडिट रेटिंग, ठीक है. सचिन से क्या किया, लोग मिल विल के पैसा वैसा खा के सचिन इसको 5 स्टार दे के चला गया. मैं क्या स्टार दी थी, 3. अब आशीष क्या करेगा, जब अपना एडवर्टीजमेंट करेगा ना, सचिन वाला क्रेडिट रेटिंग तो सचिन का शो करेगा. ये कितना बड़ा लिमिटेशन है, ठीक है. अब आप लोग बोलोगे क्या, मैं तो कंपनी के अंदर का लूप होल है कि कंपनी का एम्प्लॉय करप्ट है. हाँ तो मैं, लिमिटेशन तो है ना क्रेडिट रेटिंग करप्ट का बात नहीं है, तो नेचुरल है, सब कुछ यही करेगा. क्योंकि देयर इज नो बार कि आप एक ही कंपनी का दो बार करवा सकते हो क्या क्रेडिट रेटिंग. जैसे ऑडिट के लिए है कि आप एक ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, आप दूसरा नहीं कर सकते हैं, लीगल रूल है, है ना, तो नहीं कर सकते हो, पता है. बट क्रेडिट रेटिंग में देयर इज नो लीगल रूल, समझ में आ रहा है. एक चीज मैं पूछना था, ये हम सुने तो ऐसा है कि 2-3 ठो मतलब ऑडिट वाले को रखा जाता है कि मतलब ऑडिट करने के लिए किसी किसी बड़े कंपनी का, दैट इज जॉइंट ऑडिट. 3 लोग मिलके करेंगे ऑडिट. जैसे कि मानो हम लोग विप्रो को ऑडिट करने गए, मैं, आयुष, मैं, यश और मिथिलेश. मैं, यश और मिथिलेश, हम लोग तीनों सीए, तीनों हम लोग ऑडिट करने गए, ठीक है. एक ही रिपोर्ट, पढ़ने वाले बच्चे का नाम ली मैम, एक ही रिपोर्ट बनता है, ठीक है, एक ही ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होगा, समझ में आ रहा है. उसको ज्वाइंट ऑडिट बोलते हैं. 3 टाइप का ऑडिटर नहीं हो सकता है एक टाइप के ऑडिट के लिए, ठीक है. ये वैसे आप लोग ऑडिट अभी मत समझो, सेमेस्टर 5 में पढ़ना है, बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, पूरा 100 मार्क्स. मैम आप बताए नहीं हम लोग को लास्ट क्या था, बताने वाले थे आपका ICAI वाला, ICAI वाला, आईकासा वाला. मैम आप जो अभी जिसमें अचीवमेंट किए थे ना, आप बताई थी, ठीक है, तुम था नहीं. हाँ तुम था नहीं, मैं बताई थी. तब क्या बताए थे, क्या बताए थे, क्या चीज अचीवमेंट, मेरे को बताइए. सीए इंस्टीट्यूट में जैसे आप लोग के कॉलेज में यूनियन होता है, सीए इंस्टीट्यूट में भी एक अलग विंग है, ठीक है, आईकासा नाम है, लोग बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं. इंस्टीट्यूट का मेजोरिटी काम ये लोग ही करते हैं. तो ये लोग एडुलक्ष के टीम को मतलब वो किए थे सेलेक्ट फॉर द फाउंडेशन सेल्फ इवेल्युएशन. मेरे को ऑडिट के लिए भी किया गया था, ऑडिट आपका सीए इंटर में है, और फाउंडेशन के लिए हम लोग सबको किया गया था, मेरे को, अमृता मैम को, ईशा मैम को और हर्ष सर को, ठीक है. तो हम लोग सब बच्चों को सजेशन दिए थे कि कैसे एग्जाम में डील करना है, क्या लिखना अच्छा, है. हाँ, स्टेटस देखे थे. हाँ, ईशा दी का स्टेटस हम देखे थे. ठीक है, मेरा नहीं देखा, मैं भी लगाई थी. चलो अच्छा, आगे करते हैं. तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे, लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. पहला लिमिटेशन क्या था, आयुष बोला मैम हो सकता है वो लोग गलत असेस कर ले, है ना, फेल टू असेस द रिस्क. जैसे एग्जाम्पल वो बोला था आशीष कि मैम परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन क्रेडिट खराब है, हो सकता है. तो बहुत बार क्या होता है, ये शॉर्टकमिंग्स है इसका. दूसरा, अनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय कर दे तो रॉन्ग असेसमेंट हो जाएगा. तीसरा, डिफरेंस ऑफ रेटिंग. एक ही कंपनी 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्या करवा ली, क्रेडिट रेटिंग करवा ली, और एडवर्टीजमेंट में कौन सा यूज की, अच्छा वाला, है ना, जबकि हो सकता है सही कौन था, उसका खराब वाला रेटिंग अप्रोप्रिएट था. इन्वेस्टर क्या होंगे, मिसलीड होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे,
है ना, ये चीज होगा। ये था तीसरा शॉर्टकमिंग। चौथा लिखा हुआ है फेल टू सॉल्व द डिफॉल्ट रिस्क। अच्छा, ये तो खैर इसमें रहना नहीं चाहिए था, बट है तो मैं बता रही हूँ। मैं कभी भी ये बोली कि इन्वेस्टर लोग को सिर्फ क्रेडिट रेटिंग देख के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? पहले ही बताई थी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कभी भी ये रिकमेंड नहीं करती है। तो बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ना इन्वेस्टर का रिस्क एप्रोप्रिएटली कैलकुलेट नहीं कर सकती है। ऑफकोर्स नहीं कर सकती है, इन्वेस्टमेंट बहुत सारे डिसीजन से अफेक्ट होता है, सिर्फ क्रेडिट रेटिंग से नहीं होता है। तो ऐसा कुछ लोगों ने माना कि क्रेडिट रेटिंग ना इन्वेस्टर को पूरा बता देना चाहिए कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो वो नहीं कर पाती है ये, तो इसका ये शॉर्टकमिंग्स बता दिया। बट ये शॉर्टकमिंग्स है नहीं, लेकिन आप लोग को लिखना है ये फेल टू सॉल्व द डिफॉल्ट रिस्क ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का पूरा रिस्क ये कैलकुलेट करके नहीं दे पाएगा, ठीक है। ब्लाइंडली फॉलो, है ना, बहुत सारे इन्वेस्टर सिर्फ क्रेडिट रेटिंग देख के कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये भी क्रेडिट रेटिंग का एक लिमिटेशन है कि मैनी इन्वेस्टर्स ब्लाइंडली फॉलो द क्रेडिट रेटिंग ऑफ एजेंसी। उन लोग को क्रेडिट रेटिंग देख के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, बाद में पैसा डूब जाता है ना, फिर लॉस हो जाता है। तो यही था लिमिटेशन। हम लोग कितना लिमिटेशन पढ़े? आई गेस 5। क्या क्या पढ़े? फेल टू असेस द रिस्क, रॉन्ग असेसमेंट, अनएक्सपीरियंस लोग कर ले, डिफरेंस ऑफ रेटिंग, एक ही कंपनी दो जगह से रेटिंग करवाए, है ना, फेल टू असेस द डिफॉल्ट रिस्क ऑफ इन्वेस्टर एंड ब्लाइंडली फॉलो। ये 5 लिमिटेशन हम लोग किए किसका? क्रेडिट रेटिंग का। एनी डाउट टिल हियर? कोई डाउट नहीं है? सचिन, ऋषि, आशीष, मिथिलेश, किसी का भी डाउट है? नहीं मैम, एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट कर ले 5 मिनट का, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है मैम। हाँ ऋषि, ठीक है। सिर्फ मीनिंग करवाऊंगी, ठीक है। आप लोगों को पता है अपने लोगों का चैप्टर 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सिर्फ 20 मिनट्स का और चैप्टर बाकी है जो मैं नेक्स्ट डे करवा के कंप्लीट कर दूंगी। मैम खत्म ही कर दें पूरा चैप्टर? नहीं, मेरे को घर पे जाके अभी काम भी है। तो अपने लोग अभी तक क्या किए? घर पे ही हो, मतलब नए वाले घर में हो, पुराने वाले घर में जाके काम करना है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग का मीनिंग, क्रेडिट रेटिंग का एडवांटेज किए। क्रेडिट रेटिंग डज नॉट रिकमेंड क्या क्या परचेज करो, सब्सक्राइब करो, ये सब रिकमेंड नहीं करता है। क्रेडिट रेटिंग का फंक्शन, रोल, इम्पोर्टेंस, बेनिफिट एक ही क्वेश्चन से कर लिए, और क्रेडिट रेटिंग का लिमिटेशन, ये 4 बड़े बड़े टॉपिक किए। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मर्चेंट बैंकिंग, ठीक है। बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है, किसी को पता है मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है? मर्चेंटों को पैसा प्रोवाइड करता है। मर्चेंट कंपनीज के लिए होता है, या जिसका मतलब बिजनेसेस में जो अमाउंट लगता है जो बैंक से अच्छा वो लोग का मतलब रोज होता है बैंक में अमाउंट, उसके लिए मैम जैसे पेटीएम मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंक क्या होता है, क्या करते हैं लोग? हम जो बड़े कंपनीज को लोन देते हैं शायद। लेकिन ये मेन मीनिंग नहीं है, जैसे आरबीआई बहुत सारा काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग का अमाउंट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। नहीं, जैसे कि आज किसी को भी न्यू वेंचर खोलना है, नया बिजनेस सेटअप करना है, ये लोग क्या करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट और स्कीम बनाएंगे नए वेंचर का, ठीक है। जैसे बहुत सारे मर्चेंट बैंकर लोग ऐसे आप उनके पास जाओगे, मेरा बात सुनो, किसी मर्चेंट बैंक के पास गए, आप बोले मेरे को एक बिजनेस खोलना है कैलकटा के अंदर, पूरा आपको बिजनेस का ना आइडिया मैप मतलब आइडिया मैप, प्रोजेक्ट स्कीम सब कुछ देंगे, ये मर्चेंट बैंकिंग का काम होता है, और आपको एडवाइस करेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट। होमवर्क वो लोग कर देगा, करके देता है, बेचते हैं बेसिकली वो लोग आइडिया को, है ना, या फिर आप अपना आइडिया भी लेके जाओगे तो वो लोग हेल्प करेंगे आउटलाइन करने में, कैसे स्टार्ट करोगे नए वेंचर को। तो नए वेंचर को शुरू करने के लिए जो आपको एडवाइस दे, इंस्ट्रक्शन दे, गाइडलाइंस दे, वो कौन है? मर्चेंट बैंकर है, है ना। तो बेसिकली मर्चेंट बैंक क्या करता है? काउंसलिंग, काउंसलर है, है ना, किस किस चीज के लिए? फाइनेंशियल मैटर के लिए, टेक्निकल मैटर के लिए, मैनेजमेंट मैटर के लिए, एंड ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर के लिए, सब चीज के बारे में आपको क्या देगा? काउंसलिंग। इजी है, क्या करता है मर्चेंट बैंकिंग? आपको एडवाइस देगा, काउंसलिंग देगा फॉर अ न्यू वेंचर, आपको प्रोजेक्ट बना के दे देगा, स्कीम बना के दे देगा, है ना, आपको बोलेगा व्हाट टेक्नोलॉजी यू शुड यूज, है ना, आप कैसे अपना मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को अफेयर को कंट्रोल करोगे, कैसा टेक्निक यूज करोगे,
ये सब आपको कौन बताता है? मर्चेंट बैंकिंग। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी नहीं आगे, एकदम प्रॉमिस है मेरा, बस सुन लो। ठीक है, फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग अगर पूछे, मैं कल नेक्स्ट क्लास डिटेल में कराऊंगी, मैं बोल सकती हूँ एक सबसे बड़ा फंक्शन है दे आर कंसल्टेंट, ऑफकोर्स कंसल्टेंसी दे रहे हैं। अच्छा, एक बताऊंगी दे आर कोरिलेटर। कोरिलेटर कैसे, जैसे कि मैं गई, मैं बोली मेरे को एक कैफे का बिजनेस खोलना है मर्चेंट बैंकर लोग के पास, बट मेरे पास पैसा नहीं है। खुद लोन देने के लिए अगर तैयार हो गया मर्चेंट बैंक तो ठीक है, लेकिन मान के चलो सचिन है, उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, क्या बोलेगा मर्चेंट बैंक? सचिन को फोन करेगा कि क्या आप श्रुति के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो? सचिन अगर हाँ कर देगा तो इससे क्या कर रहा है? कोरिलेट कर रहा है, रिलेशन बना रहा है किसके बीच में? नए वेंचर या एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर के बीच में। सचिन इज इन्वेस्टर, ये भी मर्चेंट बैंकर लोग का काम होता है। कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, ये दूसरा फंक्शन है। कोरिलेटर है ना, किसी को फॉरेन से अगर बिजनेस करना है या फॉरेनर से इन्वेस्टमेंट लेना है, इसमें भी मर्चेंट बैंकिंग हेल्प करता है। तो इसमें लिखा हुआ है कम्युनिकेशन विद फॉरेन कंपनी, ये भी मर्चेंट बैंकिंग आपको करके देगा। इन्वेस्टर लोग को अलर्ट करता है, ये भी बताऊंगी कैसे, और नए नए एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है ना। बड़े कॉर्पोरेशन में भी हेल्प करता है ना इन्वेस्टर्स को, मतलब इन्वेस्ट करने में बड़े कॉर्पोरेशन। यस, नए एंटरप्रेन्योर को हेल्प किया, कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, कोरिलेटर है, फॉरेन कंपनी से कम्युनिकेट करेगा, ये सारा इसका फंक्शन है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।